अभी हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z-1 z-2. नाउ सेपरेट दिस टर्म पार्शियली बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. इफ वी टेक द a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर. नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ a. अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली a का वैल्यू कितना होगा? a इक्वल्स टू माइनस वन. सबको समझ में आ रहा है कि हमने कितनी बार किया है ना ये इक्वल्स टू माइनस वन? समझ में आ रहा है सबको? लिख दो फिर डायरेक्ट. सो a का वैल्यू कितना है? माइनस वन डिवाइडेड बाय z माइनस वन. एंड b इज इक्वल्स टू कितना आएगा? इट इज ए वन. सो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इफ यू फाइंड द a देन इट इज ए माइनस वन बाय z माइनस वन. और b का वैल्यू वन तो दिस वन. सो जस्ट मैं रीराइट करती हूँ इस टर्म को. पॉजिटिव टर्म वी राइट फर्स्ट एंड निगेटिव टर्म माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन. अब इसके आगे हमें क्या करना पड़ता है कि टर्म कौन सा लेस देन वन है वो चेक करना पड़ता है. तो टर्म लेस देन वन, देखो हमारा अगर पॉइंट लाइज इनसाइड द रीजन है तो वन लेस देन मॉड ऑफ जेड लेस देन टू. अगर जेड पॉइंट इनसाइड द सर्कल इनसाइड द रीजन लाई हो रहा है तो इनसाइड द रीजन मतलब जो पॉइंट वन से ग्रेटर है टू से लेस है, तो ये वाला हमारा रीजन है. अब इसमें क्वांटिटी वन से लेस कौन सी है वो आपको चेक करना है. तो देखो इसके अंदर दो पार्ट होने के वजह से दोनों के हिसाब से क्या क्या मिल सकता है वो आपको चेक करना पड़ेगा. इसमें यही एक स्पेशल है टेलर से कि इसमें दो दो पार्ट है तो आप दोनों से चेक करो कि कौन कौन लेस देन वन हो सकता है. तो मैं पहला पार्ट उठाती हूँ लेफ्ट हैंड साइड का. वन इज लेस देन मॉड ऑफ जेड. सो लेस देन वन कौन होगा? तो इस जेड को डिवाइड कर दो तो वन बाय मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन. इसका मतलब है वन अपॉन जेड वाला जो क्वांटिटी है दैट इज लेस देन वन. अब राइट साइड का पार्ट उठा लो तो मॉड ऑफ जेड इज लेस देन टू. अब टू से डिवाइड करो क्योंकि हमें लेस देन वन वाला क्वांटिटी चेक करना है ना. सो टू से डिवाइड सो मॉड ऑफ जेड बाय टू इज लेस देन वन. सो वी गेट द टू टर्म्स लेस देन वन इज वन अपॉन जेड अदरवाइज जेड माइनस टू. अब ये जो टर्म है ना इन दोनों में से आपको कौन सा यूज करना इजी जाएगा बस उसका यूज करना है. नेसेसरी नहीं यही यूज करो वही यूज करो बट ये फिक्स होता है कि कौन से इसके लिए आप कौन सा यूज कर पाओगे. तो आपको यूज के हिसाब से देखना है कि कौन सा इजीली यूज कर सकते हैं. जैसे मैं जेड बाय टू तो ये पहले ब्रैकेट को मैं जेड बाय टू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ बाय टेकिंग माइनस टू आउटसाइड. सो ये एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू वन अपॉन इस ब्रैकेट में से माइनस टू जैसे ही बाहर निकाल लोगे तो ये होगा वन माइनस जेड बाय टू. सो वी गेट द टर्म ऑफ जेड बाय टू. अब दूसरे टर्म में जेड बाय टू लाना तो पॉसिबल नहीं है तो कौन सा इजीली कर सकते हैं? वन अपॉन जेड ला सकते हैं. अगर मुझे वन अपॉन जेड चाहिए तो यहाँ पे जेड को कॉमन निकाल लो. जैसे ही आप जेड को कॉमन निकाल लोगे तो वी गेट द टर्म वन अपॉन जेड. तो हमें टर्म चाहिए था इस तरह से वन माइनस ए रेज़ टू पावर माइनस वन ताकि हम फॉर्मूला यूज कर सके वन प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन. सो इसके लिए हमने ये वाला टर्म मॉड ऑफ ए लेस देन वन होना चाहिए बिकॉज ऑफ सीरीज कॉन्वर्जेंट होने के लिए. सो ये दिस ब्रैकेट अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो माइनस वन बाय टू एज इट इज वन माइनस जेड बाय टू रेस टू पावर माइनस वन. देन नेक्स्ट इज माइनस वन बाय जेड एज इट इज वन माइनस वन बाय जेड रेस टू पावर माइनस वन. नाउ एक्सपांड दिस ब्रैकेट्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो वी गेट माइनस वन बाय टू इन ब्रैकेट वन प्लस जेड बाय टू प्लस
जेड बाय टू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस जेड बाय टू ब्रैकेट क्यूब एंड सो ऑन. देन नेक्स्ट टर्म इज माइनस वन बाय जेड इन ब्रैकेट वन प्लस वन बाय जेड प्लस वन बाय जेड स्क्वायर प्लस वन बाय जेड क्यूब एंड सो ऑन. नाउ मल्टीप्लाई दिस आउटसाइड टर्म. ब्रैकेट को हम जस्ट ओपन कर देंगे तो वन बाय टू से अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं इट इज ए माइनस वन बाय टू देन माइनस जेड बाय फोर माइनस जेड स्क्वेयर बाय एट माइनस जेड रेस टू पावर थ्री बाय सिक्सटीन एंड सो ऑन. एंड सेकेंड टर्म को माइनस वन बाय जेड से ओपन करना है तो ये हो गया हमारा पहला सीरीज. दूसरा क्या होगा अगर हमने वन अपॉन जेड से मल्टीप्लाई किया, वन अपॉन जेड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट इज ए वन बाय जेड प्लस वन बाय जेड स्क्वेयर प्लस वन बाय जेड क्यू प्लस वन बाय जेड रेस टू पावर फोर प्लस एंड सो ऑन. माइनस साइन से ओपन करो या फिर सिर्फ इतना ओपन करो तो दिस इज अवर टेलर्स एक्सपांशन. थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.